सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर यातायात पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। चंदौसी यातायात द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया और यातायात के नियमों का पालन करने की जनता से अपील की। यातायात प्रभारी अनुज कुमार मलिक व इंद्रभान सिंह गौड़ ने सीओ ऑफिस के सामने एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें ई रिक्शा व थ्री व्हीलर के पीछे एक्स्ट्रा लगी सीट व खड़े होने वाले स्टैंड को गैस कटर से कटवाया, जिस पर यातायात प्रभारी ने बताया कि यातायात द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन अभियान चलाया है, जिससे जो सवारी थ्री व्हीलर से जगह न मिलने पर साइडों से खड़ी होकर या लटक कर जाती है, जिससे उनकी जान का खतरा बना रहता है, इसलिए इन स्टैंडों व सीटों को हटवाया गया है व सभी थ्री व्हीलर व ई रिक्शा चालकों को यातायात नियमों के बारे में समझाया गया है। अगर इसके बाद भी थ्री व्हीलर व ई रिक्शा चालक अपने वाहनों के पीछे स्टैंड या अलग से सीट लगवाते हैं तो उनको नहीं बख्शा जाएगा और उनका चलान किया जाएगा। इस दौरान यातायात पुलिस हरेंद्र सिंह, मुरेंद्र सिंह, वीरेश कुमार, अवनीश कुमार, रोहित कुमार आदि उपस्थित रहे। आज 24 तारीख से 30 तारीख तक हमारा चल रहा था, इसमें अलग अलग दिन हमने अलग अलग प्रक्रिया का दिन यातायात जागरूकता अभियान चलाया। आज 30 तारीख में हमने पहले एनसीसी के बच्चों के साथ मिलकर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए, उसके बाद परिवहन विभाग कार्यालय के अंतर्गत हमने वैक्सीन लगवाने का प्रोग्राम किया, उसके बाद संभल के अंदर का ट्रैक्टर टोलियों में रिफ्लेक्टर टेप लगाए और चंदौसी में जो अनाधिकृत रूप से ई रिक्शाओं में मॉडिफाई करके अलग से सीट लगा लिए हैं और ये टेम्पू में पीछे सवारी खड़ी करने के लिए अलग से सिस्टम लगा लिए हैं, उनको कटवाया जा रहा है, जिससे जनमानस की सुरक्षा हो गई और दुर्घटनाओं में कमी ला सके।